कॉमर सुनील चोपड़ा कल हमारे बीच में नहीं रहे, वो किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू इंट्रोड्यूस हिम। हम आप लोगों के बीच में कॉन्डोलेंस रेजोल्यूशन प्लेस कर रहे हैं। उनके साथ कॉमर्ड के बी बेदगिरी, तमिलनाडु से CITU के लीडर थे, वाज ऑन द वे टू अटेंड दिस पब्लिक मीटिंग, ही आल्सो डाइड ऑन द वे। फॉर दीज टू लीडर्स आई एम रिक्वेस्टिंग यू पीपल टू ऑब्जर्व साइलेंस फॉर 1 मिनट। थैंक यू कॉमर। कॉमर सुनील चोपड़ा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कॉमर सुनील चोपड़ा को लाल सलाम, सलाम सुनील चोपड़ा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कॉमर सुनील चोपड़ा को लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू। अब मैं गुजारिश कर रहा हूं किसान सभा के अखिल भारतीय अध्यक्ष कॉमरेड अशोक धबले से कि वो आए और अब इस जनसभा को एड्रेस करें। कॉमरेड अशोक धबले, कॉमरेड अध्यक्ष मंडल, मंच पर बैठे हुए CITU किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन के पूरे देश से आए हुए सभी नेतागण और पूरे देश के कोने कोने से आए लाखों की तादाद में मेरे सभी लड़ाकू मेहनतकश साथियों, बहनों और भाइयों, 5 साल पहले 5 सितंबर 2018 को इसी प्रकार की लाखों की रैली लाल झंडे के नेतृत्व में हमने दिल्ली में निकाली थी और आज 5 साल के बाद पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से गुवाहाटी तक, हर राज्य से हमारे लाखों मेहनतकश साथी, हमारे असंगठित और संगठित मजदूर, हमारे मध्यम वर्ग कर्मचारी, हमारे किसान, हमारे खेत मजदूर पूरे देश के कोने कोने से 26-27 राज्यों से यहां इकट्ठा हुए हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से आप सभी लड़ाकू साथियों का मैं स्वागत करता हूं और आप सभी को क्रांतिकारी अभिवादन और लाल सलाम शुरुआत में करना चाहता हूं। साथियों, पिछले 9 सालों से देश पर राज करती हुई ये जो मोदी शाह अदानी अंबानी की सरकार, जिसका नाम आज हो गया है पूरे देश में मोदानी सरकार, ये भाजपा और आरएसएस की सरकार मुट्ठी भर बड़े बड़े देशी विदेशी कॉरपोरेट्स को पूरी तरीके से बढ़ावा दे रही है और करोड़ों की तादाद में जो हम मेहनतकश लोग हैं पूरे देश के, उनका सत्यानाश करने पर यह तुली हुई है। अभी का जो बजट इन्होंने पेश किया, इससे तो साफ हुआ यह सरकार किसके पक्ष में काम कर रही है। आज हमारी मांगे, हमारे बाकी सभी वक्ता उसके ऊपर ज्यादा विस्तार से बोलेंगे, लेकिन MSP वाला मामला, सभी फसलों के दाम आज गिर रहे हैं, चाहे प्याज हो, चाहे कपास हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे अरहर हो, चाहे गन्ना हो, सभी के दाम लगातार गिर रहे हैं और उसके लिए ये मोदानी सरकार कुछ नहीं कर रही। हमारी मांग है
लागत खर्चे का डेढ़ गुना दाम हर किसान के हर फसल को मिलना चाहिए, इसलिए हम आज यहां लाल झंडे लेकर इकट्ठा हुए हैं। सभी जो गरीब किसान है, मंझले किसान है, खेत मजदूर है, इनका कर्जा पूरी तरीके से माफ होना चाहिए। अगर कॉरपोरेट का 11 लाख करोड़ का कर्जा ये मोदी सरकार माफ करती है तो करोड़ों किसान और खेत मजदूरों का कर्जा क्यों नहीं माफ करती, ये हमारा सवाल पूरे देश के गांव गांव तक हमको लेके जाना होगा। जमीन का सवाल है, जमीन के हक और अधिकार का सवाल है, और ये वनाधिकार कानून हमारे आदिवासी किसान पूरे देश में लड़ रहे हैं उसके लिए कि हमारे नाम पर जमीन हो, ये करने को तैयार नहीं। उल्टा ये मोदी सरकार ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में ऐसे बदलाव लाए कि जिसके चलते आज हमारे आदिवासी किसानों को जमीन कभी नहीं मिल पाएगी। हमारे खेत मजदूरों के लिए मनरेगा का सवाल, गला घोटने का काम ये लोग कर रहे हैं मनरेगा का, और इसके लिए हम चाहते हैं उसका विस्तार। 100 दिन के बदले में 200 दिन उसको मिले रोजगार, 200 रुपए के बदले में 600 रुपया उसको वेतन मिले न्यूनतम, और इसका विस्तार हो, शहरी इलाके में भी ये योजना शुरू की जाए। लेकिन ये कुछ नहीं करने को तैयार है। अभी भी दिल्ली में नरेगा संघर्ष मोर्चा 40 दिन से यहां पर इन्होंने धरना लगाया, 100 दिन के लिए ये संघर्ष जारी रहेगा। हमारे मजदूरों के लिए 26,000 रुपया हर माह न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, 10,000 रुपया सभी मेहनतकशों को पेंशन मिलना चाहिए, ये सब हमारी मांगे हैं मजदूर किसान और खेत मजदूरों की, इसके लिए हम लड़ रहे। लेकिन साथियों, इन सब मांगों से भी तीन करना बंद करो, और इसके लिए हम लगातार लड़ेंगे। उसके ज्यादा 1000 इंडियंस वर किल्ड by General Dyer and the British government in the Jallianwala Bagh massacre at Amritsar. What had Mahatma Gandhi said? He had said, this satanic British government cannot be mended, it has to be ended. That is what Mahatma Gandhi had said 104 years ago. Today, in 2023, after lakhs of Indians have died due to lack of oxygen, due to lack of hospital beds, due to lack of medicines in corona pandemic, when lakhs of Indians have died due to the lack of hunger, the hunger, unemployment, and farmer suicides, agricultural workers and workers suicides, when hundreds of died in communal riots, this red flag rally is echoing Mahatma Gandhi and saying, this satanic Modani BJP RSS government cannot be mended, it has to be ended, and it will be ended in the year 2024. There is no doubt about it. Sathiyo, ye sarkar 75 साल के आजादी की इस देश को मिली हुई सबसे जनविरोधी, सबसे कॉरपोरेट परस्त, सबसे सांप्रदायिक, सबसे मनुवादी और सबसे तानाशाही सरकार रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। 1919 में जालियांवाला बाग का हत्याकांड जब हुआ था, 1000 से ज्यादा भारतीय लोगों को ब्रिटिश के जनरल डायर ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, तभी महात्मा गांधी जी ने कहा था,
क्या कहा था, ये जो सैतानी ब्रिटिश सरकार है इसमें सुधार नहीं किया जा सकता, इसको समाप्त ही करना चाहिए, यह महात्मा गांधी जी ने 104 साल पहले कहा था। आज 2023 में ये कोरोना के वजह से ऑक्सीजन न मिलने से, हॉस्पिटल का बेड न मिलने से लाखों हमारे भारतीय लोग जब मर गए, ये आज के भूख के वजह से, किसानों की आत्महत्या की वजह से लाखों लोग जब मर गए, तब आज हमारी ये लाल झंडे की रैली यही ऐलान करती है जो महात्मा गांधी जी ने 104 साल पहले किया था। हम आज ये कहते हैं ये बीजेपी आरएसएस की शैतानी, ये बीजेपी आरएसएस की सरकार, इसको सुधारा नहीं जा सकता, इसको समाप्त ही करना चाहिए, और इसको समाप्त करने का काम पूरे देश में 2024 में हम जरूर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। साथियों, अंत में कविता के दो शब्दों से मैं खत्म करूंगा। एक कवि ने कहा, और ये उन्होंने कहा, हम सूखी पत्तियां नहीं, हम सूखी पत्तियां नहीं जो पेड़ से झड़ के गिर जाए, हम सूखी पत्तियां नहीं जो पेड़ से झड़ के गिर जाए। आंधियों से कह दो, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे, हवाओं का रुख बदलना हमें आता है, हवाओं का रुख बदलना हमें आता है, इस हवाओं का रुख अगले एक साल में हम लोगों तक जाएंगे, हर गांव में जाएंगे, हर बस्ती में जाएंगे, हर मोहल्ले में जाएंगे, और ये हवा का रुख बदल के ही हम रहेंगे, ये आज हम निर्धार करते हुए यहाँ से जाए, यही दरख्वास्त करते हुए मेरे चंद शब्द में पूरा करता हूँ। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।